मैं उज्ज्वल चतुर्वेदी एक्शन 7 न्यूज से आज मौजूद हूँ फिर एक बड़े मुद्दे के साथ। आजकल के भू माफिया नहीं मानते केडीए के आदेशों को भी। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला चमनगंज का मामला मैं आपको बताना चाहूँगा। मोहम्मद शमीम जी का जो एक भू माफिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक मदरसे की ज़मीन है, मुस्लिम एसोसिएशन की ज़मीन है, उस पर जिसके बगल में मस्जिद है, मस्जिद के बगल में एक मदरसा है, उस ज़मीन पर अवैध निर्माण करा जा रहा है। बिना नक्शे को पास कराए वहाँ पर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। आज से कुछ 2018 में इसकी शिकायत करी गई थी। 2018 में इसको गिराने का और इसका काम रोकने का आदेश सीधे चमनगंज थाने को किया गया था, लेकिन उसके बाद सुनवाई के लिए इसको फिर टाल दिया गया था। लेकिन आज 2021 में फिर इसकी शिकायत करी गई और ये पाया गया कि अवैध निर्माण तरीके से वहाँ पर निर्माण हो रहा है फिर से। क्या जो भू माफिया है वो नहीं मानते केडीए के आदेशों को? क्या पुलिस प्रशासन क्यों है मौन? क्यों थाना चमनगंज इसकी नहीं कर रहा कार्रवाई? बने रहें आगे हमारी खबर के साथ। अब देखने वाली बात यह है कि कानपुर में कमिश्नरी लागू होने के बाद, जहां कमिश्नर साहब इन भू माफियाओं पर हर अपराध को रोकने के लिए एक नियम ला रहे हैं, पालन करा रहे हैं, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन उसके बाद भी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक्शन 7 न्यूज़ से उज्ज्वल चतुर्वेदी।